मैं विष्णु लांबा राजस्थान के उदयपुर जिले में हूँ। महाराणा प्रताप स्मारक परिसर में आया हुआ हूँ। मेरे पीछे आप बोर्ड लगा हुआ था, प्लास्टिक की धरती पर मतलब जो है ये धरती दो नहीं है, धरती एक ही है और इस एक धरती पर हम सबका अधिकार है और सबकी जिम्मेदारी है कि इसको हरा भरा साफ सुथरा रखें। और इसमें सबसे बड़ा जो आजकल परेशानी का सबक बन रहा है वो है प्लास्टिक, और प्लास्टिक बैन का आदेश माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने भी दिया है और हम सबको ये प्रेरणा दी है कि हम सब अपनी स्थानीय परंपरागत जो हमारे उत्पाद है उनकी तरफ लौटें। और ये जो प्लास्टिक बैन का यहाँ पर लिखा गया है वो संभवतः इसलिए लिखा गया है कि सैलानी आते हैं, बहुत आते हैं, आना भी चाहिए। राणा प्रताप के इस स्मारक पर कौन नहीं आना चाहेगा, हर भारतवासी आना चाहेगा। और महाराणा प्रताप की शूरता वीरता की कहानियाँ जो भी दुनिया के देशों के लोग पढ़ते हैं वो भी राणा प्रताप के स्मारक बनाना आना चाहते हैं। जो भी आते हैं वो निश्चित रूप से कुछ कुछ खाते हैं, कुछ न कुछ यहाँ प्राप्त करते हैं, कुछ बाहर से लेके आते हैं। और इतनी सी भूल हम सबसे हो जाती है पर्यटकों से कि हम वो प्लास्टिक के उत्पाद अपना जो उपयोग में लेने के बाद प्लास्टिक जंगलों में फेंक देते हैं। ये जंगल हमारे बहुमूल्य हैं, ये आज से नहीं है, राणा जी से पहले के जंगल हैं, महाराणा प्रताप से, राणा सांगा से पहले के जंगल हैं। जंगल अतीत है, सनातन है। और आप देख रहे होंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये चंदन की लकड़ी है, ये सफ़ेद चंदन ओरिजिनल चंदन है। ये सबसे बड़ी बात हम सबके लिए समझने की बात है कि हमें इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। हमें ये समझ आता है कि इन जंगलों में चंदन बहुत आयात में पाया जाता है, स्वाभाविक रूप से होता है, तो निश्चित रूप से ये समझ में आ गया कि हम अपने आसपास इस क्षेत्र में जंगल के बगीचे लगा सकते हैं और उससे अनेक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं चंदन से। चंदन बहुत महंगा बिकता है और सरकार ने अब उसको खरीदने बेचने के लिए भी छूट दे दी है। पहले चंदन बेचने और खरीदने पर बड़ी पाबंदियाँ थी, अभी उसको सहूलियत की है किसानों के लिए। तो आप सब लोग जहाँ भी जाएँ, राणा प्रताप स्मारक हो चाहे कोई और स्मारक हो, कहीं भी जाएँ, ये स्मारकों को, इस धरोहर को अपनी संपत्ति समझ करके, अपने राष्ट्र की संपत्ति समझ करके उसके संरक्षण संवर्धन में योगदान दें, उसकी हरियाली में योगदान दें, उसकी साफ सफाई में योगदान दें। प्लास्टिक का कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको स्मरण आता हो वहाँ ये विचार करें कि कैसे हम जूट का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम परंपरागत स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे परंपरागत तरीके चले आ रहे हैं। ऐसे जंगल लगा करके, ऐसा संरक्षण करके, ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। आज राणा प्रताप होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस धरती के संरक्षण के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, बाहर से आने वाले अतिथि को हमारा देश साफ सुथरा सुंदर अच्छा लगे, एक अच्छा महसूस हो उसको, अतिथि देव भव के सिद्धांतों की हम पालना कर सकें और पूरी मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़ सकें। तो आप सब आगे आइए राणा प्रताप बनने के लिए। आपको भाला उठाने की, तलवार उठाने की या किसी पर हमला करने की, जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। भारत स्वतंत्र है और इतना ज़्यादा स्वतंत्र है कि दुनिया के किसी भी देश से हम लोग दो कदम कहीं ना कहीं हर मामले में आगे हैं, और आगे तभी हैं हम सबका योगदान इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए है। आगे आइए, धरती की हरियाली के लिए, खुशहाली के लिए अपना अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय चित्तौड़, जय मेवाड़, जय राणा प्रताप।